ये शरीर को आपको बताया गया होगा, ये शरीर एक गाड़ी की तरह है, इट इज अ व्हीकल। और किसी गाड़ी अगर खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, फ्यूल डालते हैं ना। तो इसी प्रकार हमारी गाड़ी, शरीर रूपी गाड़ी को भी फ्यूल चाहिए। जैसे वहाँ पेट्रोल और डीजल डालते हो तो भी गाड़ी मूव करती है, इसी प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी में भी जब तक हम नहीं डालेंगे कुछ, चलेगी नहीं गाड़ी। जो हम भोजन करते हैं ये वास्तव में हमारे शरीर रूपी गाड़ी का फ्यूल है। परंतु जैसे एक आप अगर पेट्रोल गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, पेट्रोल ही डालते हैं। वहाँ डीजल डालते हो, किरोसिन डालते हो, नहीं डालते हैं। और गाड़ी एकदम पूरा रिजर्व से भी कम हो जाए, बिल्कुल तेल एकदम नील हो जाए, इतना तक भी नहीं किया जाता है, हमेशा चेक किया जाता है, कभी एकदम ओवरफ्लो भी नहीं किया जाता है। इसी प्रकार ये शरीर में भी अगर ये शरीर रूपी गाड़ी को ठीक चलाना चाहते हो तो अवॉइड फिस्टिंग एंड फास्टिंग। व्हाट इज फिस्टिंग, व्हाट इज फास्टिंग? फास्टिंग माना उपवास। जो भाई बहन फास्टिंग करते हैं हाथ उठाइए प्लीज। अच्छा, काफ़ी हैं। आप किस लिए करते हो फास्टिंग, उपवास किस लिए करते हो? और कुछ भावना होगी, माताओं की भावना होती है अलग, भगवान को खुश करने के लिए, है ना, नहीं भगवान मेरे ऊपर खुश होंगे। एक प्रश्न आपको पूछता हूँ, जिस दिन आपके बच्चे खाना नहीं खाते हैं आपको अच्छा लगता है? आप कौन हो? भगवान के बच्चे हो, तो मैं वो माता जो पिता कहते हैं उनको। आप अगर ईश्वर के बच्चे हो तो आप जिस दिन नहीं खाएंगे भगवान को अच्छा लगेगा? जैसे आप नहीं खाते हो तो आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप जिस दिन नहीं खाएंगे भगवान को अच्छा लगेगा क्या, पूछ रहा हूँ। अच्छा देखिए, ठीक ही बताया। देखिए जैसे छोटे बच्चे अगर कहीं मार्केट में जाके पूरा गंदी फुटपाथ में कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खरीद के खाते हैं, तो आप क्या कहते हो, अरे बेटे ये क्या खा रहे हो, छी 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 छी, चल मैं घर में तुझे अच्छा बना के खिलाऊंगा। तो जैसे आपके बच्चे गंदी चीज़ें खाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे ही हम भी जब गंदी चीज़ें खाते हैं भगवान को अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते हैं अरे बच्चे खाओ पियो मौज करो, किस लिए फिरो है ये सब, लेकिन अच्छी चीज़ें खाओ। तो यहाँ भी आप सभी को जो भी खाना खिला रहे हैं, आपको पसंद है यहाँ ब्रह्मा भोजन, अच्छा लग रहा है सभी को, अच्छा लग रहा है? देखो यहाँ आप सभी को कई लोग कहते हैं ये क्या ट्रीट है, जैसे कल ब्रह्मा बाबा की सुन रहे थे जीवन कहानी, राजाएं महाराजाएं आते थे ब्रह्मा बाबा के पास, बाबा खातिर करते थे बहुत अच्छी तरह से, लेकिन कभी भी उनको सिगरेट शराब कभी भी नहीं, कोई भी नॉनवेज आदि नहीं देते थे। तो कभी कभी राजाएं बाबा को टोंट करते थे, क्या लक्खी बाबू आपका ये पार्टी तो बहुत फीकी रही। तो बाबा क्या कहते थे जानते हो, बाबा कहते थे आप सभी मुझे क्या देते हो, कागज़ के नोट, मैं क्या देता हूँ, हीरा देता हूँ, ये कागज़ के नोट के लिए मेरा धर्म कर्म मैं छोड़ दूंगा, नहीं। बाबा बिल्कुल सिंपल एकदम सात्विक सादा भोजन खिलाते थे, वास्तव में उसमें जितना आनंद है, ये सब गंदी चीज़ें खाने से अपना स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ देखिए जो भोजन आपको दिया जा रहा है, यहाँ प्याज लहसुन तक भी नहीं है, लेकिन टेस्ट खराब है, तो ये सब एक्वायर्ड टेस्ट है। अगर बचपन से किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाए ये सब चीज़ें, वो पता ही नहीं चलेगा, ये सब हम खा के आदत डाले हैं। लेकिन कुछ दिन आप छोड़ दीजिए प्याज लहसुन, देखना जो भी व्यक्ति खा के आएगा इतना बदबू मारेगा, बात मत पूछिए। आप सोचिए तो सही, जो प्याज लहसुन काटते समय आँखों से धार धार आंसू बह रहा है, कोई नज़दीक भी जाता है तो उसके भी आँखों से धार धार आंसू बह रहा है, इतना एक ड्रॉप गिरता है तो आँखों रिजेक्ट करता है बॉडी, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आप इतना खा जाएंगे तो क्या होगा, सांस से बदबू, पसीने से बदबू, यूरिन से बदबू, ड्रेस में जो पहने हैं उसमें भी बदबू। आप खाते हैं तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो नहीं खाएगा ना उसको इतना एकदम स्मेल आएगा, बात मत पूछिए, स्टिंकिंग एकदम। तो जीवन में हमें क्या नहीं खाना, क्या खाना, वो भगवान हमें बताते हैं। जैसे बच्चों को पता नहीं चलता है, उनके मम्मी पापा उनको सिखाते हैं, बेटे ये खराब है, ये गंदा है, ये ठीक नहीं है, इसमें तेरा हेल्थ खराब होगा, तेरा पेट खराब होगा, हम खिलाते हैं, चल घर चल, तुम आपको खिलाएंगे। तो भगवान भी हमें जो भोजन खिलाते हैं वास्तव में, और कई ऐसे कहते हैं कि हमारा इंटेस्टाइन को थोड़ा सा रेस्ट तो देना चाहिए ना, जो ऐसे सोचते हैं हाथ उठाइए, इंटेस्टाइन को, यस वेरी गुड। मैं कहूँगा कि सचमुच इंटेस्टाइन को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि डेली इतना इतना खाते हैं, कितना बार खाते हैं तो पेट तो थक जाता होगा ना, रेस्ट देना चाहिए।
लेकिन आपने आपने ठीक बताया रेस्ट देना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। सभी सुन रहे हैं ना, पीछे वाले सुन रहे हैं? मैं एक प्रश्न पूछता हूँ आपको। देखो, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से पैदा हुए हैं, हमारा दिल धड़क 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 अंतिम श्वास तक चलता रहता है। तो आप आंतड़ी के लिए इतने रहम दिल हो, इसके लिए आपको रहम आ रहा है। बेचारा हार्ट बेचारा जन्म से लेके, संडे को संडे रेस्ट दे दो ना उसको, नहीं चलेगा। आप देखो, सोते वक्त भी सांस लेते हो, सांस को एक दिन रेस्ट देने से चलेगा? तो फिर आंतड़ी के लिए काहे को सोच रहे हो आप? एक्चुअली आप, साइंटिफिक एविडेंस है, अगर आप फास्टिंग करेंगे तो आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, गाउट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इतना पेन होगा, बात मत पूछे। जो फास्टिंग करते हैं उनको ही पेप्टिक अल्सर होता है, ये देखा गया, जो फास्टिंग करते हैं वो ज़्यादा मोटे होते हैं। इसलिए फास्टिंग करना मेडिकल साइंस भी मना करता है। और दूसरी बात है फिस्टिंग करना। फिस्टिंग माना आकंठ भोजन कर लेना, कहीं अगर मिल गया ना, इतना खा जाएंगे कि आ करने से दिखेगा। एक बार एक पंडित जी गए थे कहीं प्रवचन करने के लिए, रात को पेट दर्द हुआ तो एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने देखा, समझ गया कि पंडित जी गए थे कहीं भाषण करने के लिए, शायद ओवर ईटिंग कर लिए हैं, इंडाइजेशन हो गया है। तो कहते हैं, पंडित जी कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपको दो कैप्सूल देता हूँ, खा लो, ठीक हो जाएगा सवेरे तक। तो पंडित जी कहते हैं, डॉक्टर साहब ये दो कैप्सूल खाने का अगर जगह होता तो और दो गुलाब जामुन एक्स्ट्रा खा के नहीं आ जाता? तो कभी कभी हम लोभ लालच में एक्स्ट्रा खाते हैं, आकंठ भोजन करते हैं, जिसके कारण बीमार होते हैं। जी जी यस, मैं आई विल टेक अप क्वेश्चन लेटर ऑन, मैं क्वेश्चन बाद में लूंगा, लास्ट में पूरा, लेट मी फिनिश, आई विल टेक अप क्वेश्चन। तो देखिए, फिस्टिंग और फास्टिंग ये दोनों स्वास्थ्य के लिए मना है, हानिकारक है। इसलिए आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है, अति आहार अनाहार योगी का लक्षण नहीं है। योगी माना बैलेंस डाइट वाला, इतना भी ना खा जाए जो औड़ी करके एकदम गैस सारा निकल जाए, इतना तक खा जाए नहीं, हमेशा 1/3 खाली रहना चाहिए पेट में, तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार देखिए, अपने आप को प्रश्न पूछिए कि जैसे हम डीजल कार खरीदते हैं तो डीजल ही डालते हैं, पेट्रोल कार खरीदते हैं तो पेट्रोल ही डालते हैं, ये शरीर रूपी गाड़ी में क्या सही फ्यूल हम डालते हैं? क्या मनुष्य एक मांसाशी प्राणी है? इज ह्यूमन बीइंग कार्निवोरस? कोई नहीं कह रहे हैं मनुष्य। देखिए, क्या हमारे इतने बड़े बड़े कैनाइन, इतने बड़े बड़े दांत है जो किसी को काटने के लिए, मारने के लिए, खाने के लिए, फिर भी हम ऐसी चीज़ें खाते हैं, मटन और सिर्फ गंदी चीज़ें खाते हैं। हमारे इतने बड़े बड़े एकदम क्लॉज है, नाखून है शिकार करने के लिए? नहीं है, फिर भी हम ऐसी चीज़ें खाते हैं। अगर एक मांसाशी प्राणी और एक शाकाहारी प्राणी, दोनों का आंतड़ी देखिए काट के पेट, जो शाकाहारी प्राणी होता है उसकी आंतड़ी बहुत लंबी होती है जैसा मनुष्य का है, जो मांसाशी प्राणी होते हैं उनकी आंतड़ी बहुत छोटी होती है। इसलिए मनुष्य बायोलॉजिकली भी एक शाकाहारी प्राणी है। तो हम देखिए, रोज हम इतने वेजिटेबल्स खाते हैं, कितना खाते हैं, कितना अच्छा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कुछ नहीं। लेकिन एक व्यक्ति को कंटिन्यूअसली नॉनवेज कंटिन्यूअसली खिलाते रहे 4-5 दिन खाली नॉनवेज खाए, देखना है उसको एकदम एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। इसलिए मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है, लेकिन हम ये गाड़ी में, जैसे पेट्रोल गाड़ी में डीजल किरोसिन पानी कुछ भी डालते रहोगे तो क्या हाल होगा, ऐसे हम इस शरीर रूपी गाड़ी में भी कुछ भी डालते रहते हैं, जिसके कारण आज हम बीमार हो रहे हैं। सो स्टिल वी किल अदर्स टू कंज्यूम, एंड मैं कहता हूँ, ओ मैन, व्हेयर इज योर ह्यूमैनिटी? ये सब पशु पंछी जानवर हमसे कमजोर हैं, इसलिए इनको मार के खा जाते हैं हम। एक पशु को, एक पंछी को हम घर में रखते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, रेस्ट सेट बनाते हैं, और बीमार होते हैं तो कभी वेटरनरी सर्जन से कंसल्ट करके उनकी दवाई भी करते हैं, सर्दी गर्मी से बचाते हैं उनको, लेकिन एक दिन पूरा गर्दन मोड़ के खा जाते हैं। क्या ये ह्यूमैनिटी है? सोचिए तो सही। हमारा बच्चा को कोई किसी के घर में रखे, उसको खिलाए पिलाए, पढ़ाए लिखाए, सब कुछ करे, और एक दिन मार के खा जाए, कैसा लगेगा हमें?
तो मनुष्य वास्तव में शाकाहारी प्राणी है, ये सब चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। आज दुनिया में 5 चीज़ें हैं जो लोग खूब खा रहे हैं जिसके कारण कैंसर हो रहा है। वो 5 चीज़ें क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज दिस? हॉट डॉग, कोल्ड डॉग नहीं, हॉट डॉग। आप बड़े बड़े जाइए देखिए, बड़े सिटीज़ में बहुत फैन है बच्चे आजकल ये सब खा रहे हैं। इसमें नाइट्रेट्स, ट्रांसफैट्स, क्या क्या नहीं है, हार्ट अटैक, कैंसर से सब, ये सब बीमारियों के जड़ है ये। और इस प्रकार व्हाट इज दिस, द बर्गर किंग, ये भी लोगों को बहुत पसंद है, खूब जाके खाते हैं। और ये क्या है, डाउनट। ये क्या है, फ्रेंच फ्राइज, हम इसको कहते हैं कैंसर फ्राइज। ये क्या है, चिप्स, क्रैकर्स, कुकीज, ये सब चीज़ें भी फुल ऑफ ट्रांसफैट्स, इससे ही हार्ट अटैक हो रहा है, इससे ही कैंसर हो रहा है। ये सब 5 चीज़ें जो मैं दिखाया, मैं एक्चुअली समय कम है नहीं तो दिखाता, एक चिप में मैं कई बार दिखाता हूँ, एक चिप सिर्फ मैं जला के दिखाता हूँ, ठप ठप 20-30 बूंद खाली तेल गिरता है, ओनली 20-30 बूंद, जलता है 3-4 मिनट तक। एक चिप में अगर 40-50 बूंद तेल है तो सोच लीजिए, जब हम खाने बैठते हैं कितने चिप्स खाते हैं, एक दो खाते होंगे ना चिप, कितना खाते हैं, हम कहते हैं कुछ भी नहीं खाते हैं फिर भी इतने मोटे हैं। खाली तेल होता तो भी नहीं बताता, लेकिन उसमें ट्रांसफैट्स है, जो तेल प्रोफेशनली बनाया जाता है कमर्शियली, इतना बड़े बड़े कढ़ाई में उसको बार बार गर्म करके जो उबालते हैं, तलते हैं, वो सारे डीनेच्योर्ड हो जाता है, वो तेल सब ट्रांसफैट हो जाता है, और वही खा के हार्ट अटैक हो रहा है, वही खा के सब बीमारियाँ हो रही है। इसलिए ये सब चिप्स बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे, मैं कभी भी ट्रैवल करता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द आसपास जितने लोग, सारे जंक फूड फास्ट फूड खा रहे हैं, पैकेट फाड़ फाड़ के खा रहे हैं सब, और पानी नहीं पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं सब। आपको एक आश्चर्य की बात सुनाऊंगा, अभी मैं आ रहा था कहीं ट्रेन में, छोटा सा बच्चा 3 साल का होगा, रात को चिप्स खा के सो गया लेट नाइट में, और जैसे उठा तो बहुत लेट, 8 बजे के बाद उठा, उठने के बाद हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार हम क्या करते हैं, उठ के ही क्या करते हैं, माँ बाप को पहले प्रणाम करते हैं, जीते रहो बच्चे, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन उठते ही बच्चा क्या कहता है, मम्मी चिप्स, उठते ही, यही हमारी संस्कृति है। तो ये सब बहुत डेंजरस है, ये सब खा के ही बीमार हो रहे हैं। और मैं कहता हूँ, ये एग्स, अंडे भी बहुत नुकसानकारक है। हम कहते हैं संडे हो या मंडे, कभी ना खाओ अंडे, ये खा के ही, इसमें रिच विथ कोलेस्ट्रॉल, इसके कारण ही हार्ट अटैक हो रहा है, बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। अनहेल्दी फूड्स, ये सब चीज़ें मैं बता रहा था, जंक फूड, फास्ट फूड, रेडीमेड फूड्स जो मिलता है, ये सब अनहेल्दी फूड्स है। अनहेल्दी ड्रिंक्स, आजकल कई प्रकार के ड्रिंक्स मिलता है, ये सब पी के सत्यानाश है। जो यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं, हाथ उठाइए, जो नहीं पीते हैं, 50% भी नहीं है, आई मस्ट कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। परंतु मैं कहूँगा, इसमें आप कभी भी सर्च कीजिए नेट में, आपको क्या मिलेगा देखना, जो लेटरिन साफ करते हैं, जो केमिकल्स भी इसमें है, और इसमें खाली जहर के सिवाय कुछ भी नहीं है। यहाँ 50 पैसा भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, आपको बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज लूट रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। बड़े बड़े फिल्म स्टार, कई स्टार्स के एडवर्टाइजमेंट दिखा के, शाहरुख खां पी रहा है, कोई खा पी रहा है, पियो, सब बीमारियाँ हो रही है। ना खुद पीना है, ना बच्चों को पिलाना है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये आप नहीं संभालेंगे तो कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते हैं। मेरे पास एक 120 किलो की एक बहन आई थी, मैं बोला बहन जी क्या करते हो, संभालो थोड़ा। अरे डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं खाती हूँ। मैं बोला कि अच्छा, आप बताओ ब्रेकफास्ट क्या लेती हो। कहती मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ। मैं सोचा वर्किंग लेडी होगी, आजकल तो लेट उठते हैं लोग, एक चाय पी लिया चल पड़ा, नहीं खाती होगी। बोला चलो कोई बात नहीं, आप लंच क्या करते हो। लेकिन लंच भी नहीं करती हूँ। सोचा कि चलो कोई सैंडविच मंगा के खा लेती होगी, वर्किंग आवर में लोग तो खाते नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप डिनर क्या करती हो। कहते डिनर भी नहीं करती हूँ। मैं तो हैरान हो गया। मैं बोला कि करती क्या हो। कहते मैं 20 बोतल कोका कोला पी जाती हूँ। खाली एम्प्टी कैलोरीज है, उसमें कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ, जिसके कारण 120 किलो। सब उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, क्या क्या नहीं था, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सब बीमारियाँ। तो आप अगर हेल्दी रहना चाहते हो, ये सब नहीं लेना है। नहीं लेंगे, प्रॉमिस करेंगे,
पक्का? जो कहते हैं नहीं पियेंगे हाथ उठाइए। कई फिर भी नहीं उठा रहे हैं। देखिए आपके ऊपर है, मैं आपको बता दिया आपके ऊपर है, क्योंकि स्वस्थ जीवन जीना मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन आप रहना चाहो नहीं चाहो आपके ऊपर है। देखिए ये सब पूड़ी पेड़ा पकोड़ा पिज़्ज़ा पकवान पराठा 6 पीस, ये रिच इन कैलोरीज, ये ज़्यादा जो खाते हैं वही मोटे होते हैं, ये सब अवॉइड करके सिंपल भोजन कीजिए। तेल घी, माताएं सुन रहे हैं आपस में बात नहीं कीजिए, सुनिए, तेल घी सबसे कम यूज होना चाहिए घर में, लेकिन माताओं का प्यार तेल घी से बहता है। आपको आश्चर्य लगेगा, साइंटिस्ट लोगों ने सभी प्रकार के जानवरों को लेकर टेस्ट किया, गाय भैंस बकरी कबूतर सबका सबका, किसी का भी खून में कोलेस्ट्रॉल 50 से ज़्यादा नहीं पाया गया, लेकिन एक ही मनुष्य है ह्यूमन बीइंग जिसका कोलेस्ट्रॉल 300 से ज़्यादा है, क्योंकि हम तेल घी खाते हैं, बाकी कोई नहीं खाता है, और हमारा प्यार तेल घी से बहता है, जिसके कारण ही सारा बीमारी है। इसलिए बहुत कम से कम तेल घी घर में यूज कीजिए, उससे ही भला होगा। ये मैं बता रहा था मैकडोनाल्ड्स ये सब, इसमें इट इज़ रिच विथ ट्रांसफैट्स, ये सब खाते हैं हम फ्रेंच फ्राइज आदि, और साइंटिस्ट लोगों ने देखा है अगर ट्रांसफैट 2% भी कम कर दिया जाता है तो हार्ट अटैक 53% कम हो जाता है। यही खा के बहुत कम एज में आज बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। सो हेल्दी डाइट फॉर ए हेल्दी बॉडी, शेक्सपियर लॉन्ग बैक टोल्ड एज द फूड सो द माइंड, हम यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में कहते हैं शेक्सपियर ने कहा, लेट मी नो योर डाइट आई विल टेल व्हाट यू आर, तुम क्या खाते हो मुझे बता दोगे तो मैं बता दूंगा तुम किस प्रकार का आदमी हो। सो चेंज योर डाइट, अनहेल्दी चीज़ें जो खा रहे हैं इसको चेंज करके, मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, जितना हो सके वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब लीजिए, इसमें ही भला है। सो चेंज योर डाइट एंड चेंज योर लाइफ। नेक्स्ट इज फिजिकली एक्टिव लाइफ। आपके मन में प्रश्न उठता होगा मैं जानता हूँ, आई विल टेक अप क्वेश्चन एट द एंड। देखिए लॉन्ग बैक बुद्ध, आज से लगभग 2500 साल पहले बुद्ध ने कहा था, योर बॉडी इज प्रेसियस, इट इज आवर व्हीकल फॉर अवेकनिंग, ट्रीट इट विथ केयर। ये शरीर एक गाड़ी जैसी है, जैसे गाड़ी एक खरीदते हैं तो इसको हम क्या करते हैं कितना ध्यान रखते हैं। सो ये शरीर एक गाड़ी है, आत्मा इसमें ड्राइवर है। तो देखिए जैसे कोई गाड़ी खरीदता है, बहुत कॉस्टली गाड़ी आपने खरीद लिया, लेकिन उसको आपने खाली गैरेज में रखे रहना है और कुछ नहीं चलाना है, क्या होगा? थोड़े दिन के बाद जंक हो जाएगा। इसी प्रकार जो हिलते ही नहीं है, डुलते ही नहीं है, कुछ नहीं, बैठे रहते हैं चुपचाप, साइंटिस्ट लोगों ने देखा है प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग इज हाजार्डस, जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनको ही सारी बीमारियां हो रही है। फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए, चलना चाहिए, करना चाहिए कुछ भी। और हमारे भारतवर्ष में तो थोड़ा सा पैसा हो जाए बस देखो सेठ सेठानी बन जाते हैं, विदेश में फिर भी लोग सब काम करते हैं अपना, यहाँ तो नौकर चाकर सब, हिलना भी नहीं है, फोन बजता रहेगा तो कोई जाके ला के देगा तो सुनेंगे, प्यास कितना भी लगे कोई ग्लास का बोतल देगा, पानी का बोतल की ग्लास देगा तो ही पियेंगे, नहीं तो पीना नहीं है। इस सिडेंटरी लाइफ के कारण ही हम सब, जैसे गाड़ी को आप चलाते हो नियमित, इसी प्रकार शरीर भी एक गाड़ी है, इस शरीर को भी चलाना जरूरी है, नहीं चलाएंगे तो ये बीमार हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि 3 प्रकार के एक्सरसाइज लोग आपको बताते हैं, 3 प्रकार के, आप फिजिकली एक्टिव रहना अर्थात एक्सरसाइज करना, और कोई भी फिजिकल वर्क भी करना, घर का काम आप झाड़ू पोछा लगाओ, कपड़ा सफाई करो, बर्तन करो, कुछ भी करो, ऑफिस का काम करो, करो कुछ, गार्डनिंग करो, कुछ ना कुछ करना चाहिए, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। इसलिए आजकल रामदेव बाबा क्या करते हैं ना, लोग हिलते भी नहीं है, डुलते भी नहीं है, तो रामदेव बाबा क्या सिखाते हैं, रामदेव बाबा कहते हैं कि क्या करते हैं, कहते हैं नाखून ऐसा ऐसा करेंगे ना तुम्हारा बाल कभी सफ़ेद नहीं होगा। आप करके देखिए कैसे बाल सफ़ेद नहीं होगा, बॉडी तो एजिंग प्रोसेस है ही, कभी ना कभी तो सफ़ेद होगा ही, लेकिन ऐसे ऐसे करने से क्या होगा, एक टेम्पटेशन दे दिए, ऐसा कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, चलो कुछ तो करता है, नहीं तो कहतेंगे फू फू फू, मैं कहता फूफा एक्सरसाइज, इसको कुछ तो पेट तो हिलेगा, थोड़ा सा तो हिलेगा, थोड़ा सा चर्बी पिघलेगा, तो इसलिए टेम्पटेशन दे दिए हैं। कहने का मतलब एरोबिक एक्सरसाइज है, चलना दौड़ना स्किपिंग करना, ये सबको एरोबिक, जो बाहर खुले मैदान में आप करते हो इसको एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूमशन करके, ये सबसे बढ़िया है। दूसरा है एनएरोबिक एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो जिम खाना में जाके लोग करते हैं,
और तीसरा है, आप सभी को पता होगा ये क्या है, योगासन। ये हर कोई कर सकता है, ये जिम खाना में जाके ये सब उठाना ये सब करना हर कोई कर सकते हैं। यंग एज में किसका बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है कर सकता है, लेकिन हर एक की बस की बात नहीं है। कर सकते हैं ये, आप कर भी लिया ना टांग ऐसे ही रह जाएगा। तो इसलिए खबरदार। तो कहने का मतलब है कि देखिए, देर इज नो शॉर्टकट टू गुड हेल्थ, देर इज नो मिराकुलस मेडिसिन दैट कैन मेक यू हेल्दी। लेकिन एक बात तो मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ, डेली थोड़ा चलिए, डेली चलिए, देखिए आप हेल्दी रहेंगे, एकदम हेल्दी रहेंगे। डेली चलिए, ब्रिस्क वॉक, ऐसा टहलना नहीं। कई लोग ऐसे टहलते रहते हैं धीरे धीरे सारा दिन भी। माताएं खास करके, मैं कभी कभी मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ, देखता हूँ कहीं भी जाता हूँ किसी भी सिटी में, तो मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ सवेरे, तो देखता हूँ माताएं, दो माताएं आपस में धीरे धीरे ऐसे ऐसे चल रहे हैं। और चल रहे हैं क्या आपस में, क्या बात, तेरी सास ऐसी है, तेरी बहू ऐसी बोलती थी, तेरा ऐसा है, यही बात चलती रहेगी। सारा दिन भी टहलते रहो कुछ नहीं होगा, ब्रिस्क वॉक करना है, फास्ट चलना है, ताकि आपका एकदम थोड़ा सा पसीना छूटे। इसलिए मैं यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में एक सीडी मिलता है, उसका नाम है रूहानी यात्रा, उसमें एक गीत खास बॉम्बे से बनाया है, उसमें शिव परमात्मा के 300 नाम है। हमारे देश में कहावत है कि द्वादश ज्योतिर्लिंगम बहुत मशहूर है, द्वादश ज्योतिर्लिंगम, कोई सवेरे शाम अगर द्वादश ज्योतिर्लिंगम का नाम स्मरण करता है, सप्त जन्मम कृतम पापम स्मरणेन विनश्यन्ति, सात जन्म का किया हुआ पाप भस्म हो जाएगा, ऐसे वर्णन है। और उस गीत में तो 300 नाम है, और उसका रिदम ऐसा है कि आपको एकदम थोड़ा सा फास्ट चलने की इच्छा होगी। और 300 नाम भगवान का याद करेंगे तो कितने जन्म का पाप भस्म होगा सोचिए। तो वो खास बनाया है मॉर्निंग वॉक करने के लिए। आजकल गीत सुनो, चलो देखो फास्ट कितना, एकदम हेल्दी रहेंगे। सो वॉकिंग इज द परफेक्ट एक्सरसाइज। वॉकिंग करने से आपके शरीर के सारे मसल, सारे बोन्स, 650 मसल्स एंड 203 बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज यूटिलाइज्ड। आप स्विमिंग करेंगे तो हाथ ज़्यादा एक्सरसाइज होगा, साइकिलिंग करेंगे तो पांव ज़्यादा होगा, लेकिन चलने से पूरा होल बॉडी यूज होता है। तो वॉकिंग इज द परफेक्ट एक्सरसाइज। ये हिपोक्रेट्स द फादर ऑफ मेडिसिन हैज टोल्ड, वॉकिंग इज मैंस बेस्ट मेडिसिन, सबसे बढ़िया मेडिसिन है चलना। और सवेरे सवेरे जो चलता है सारा दिन के लिए उसको एक वरदान जैसा मिल जाता है। इसलिए रोज नाश्ते से कम 2 माइल चलना चाहिए, आधा घंटा तो चलना ही चाहिए। जो नियमित एक्सरसाइज करता है उसका ब्लड शुगर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है, डायबिटीज हाइपरटेंसिव पिल्स कम हो जाते हैं, और उसका वेट भी ठीक रहता है, और कई हेल्थ की समस्याएँ वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और एकदम पावरफुल एनर्जेटिक लगता है, नींद भी अच्छी आती है। बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब रात भर नींद ही नहीं आती, कुछ करते नहीं है, हिलते नहीं है, डुलते नहीं है, नींद कैसे आएगी, रात भर तारे गिनते रहते हैं। आजकल तारे तो दिखते नहीं है, कहने में कहते हैं ऐसे। तो जो एक्सरसाइज करेगा उसको नींद भी अच्छी आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो एक्सरसाइज करेगा उसके ब्रेन में एंडोर्फिन्स निकलते हैं, स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन्स, तो तनाव को ख़त्म कर देंगे, आपको कोई गोली खानी नहीं पड़ेगी, बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, आपके मसल्स बोन स्ट्रांग हो जाएंगे। जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं जरा सा गिर पड़ा देखो फ्रैक्चर, लेकिन जो डेली एक्सरसाइज करता है एकदम उसको कैसे भी फेंक दो, कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होगा। लेकिन एक्सरसाइज इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। आप कितने दिन भी एक्सरसाइज करते रहो लेकिन 2 दिन भी छोड़ दिया तो उसका जो फायदा है खत्म हो जाएगा। इसलिए इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। एंड WHO का कहना है कि 30 मिनट फास्ट चलो और थोड़ा सा वार्म अप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, जिससे बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा और कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। हफ्ते में 5 दिन भी करेंगे तो सफिशिएंट है। दोज हु डू नॉट फाइंड टाइम फॉर एक्सरसाइज विल हैव टू फाइंड टाइम फॉर इलनेस। जिसको एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, बीमार होकर हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए जरूर टाइम मिलेगा। इसलिए डॉक्टर पूछता है आपको क्या पसंद है, 1 घंटा एक्सरसाइज करके सारा दिन चुस्त फुर्त रहो अच्छा है, कि बिना एक्सरसाइज के मुर्दे जैसा सारा दिन 24 घंटा रहो अच्छा है, क्या पसंद है? परंतु डॉक्टर को हमेशा पूछना जरूरी है कि क्या करें क्या नहीं करें। मान लीजिए आपको हाई ब्लड प्रेशर है और शीर्षासन कर रहे हो, 100% स्ट्रोक होगा, नस फट जाएगा।
आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और कपालभाति कर रहे हो जोर जोर से, प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको क्या करना है क्या नहीं करना सोच समझ के डॉक्टर को पूछ के ही करना जरूरी है। कोई अगर इतना मोटा है खाली चलने से चलेगा? थोड़ा सा तो स्ट्रेनस करना पड़ेगा ना। जो समझते हैं ये अच्छा है ठीक है हाथ उठाइए। अच्छा, जो सोचते हैं ठीक नहीं है हाथ उठाइए। कई लोग बीच में न्यूट्रल है, बहुत लोग। वास्तव में ये ठीक नहीं है। क्यों कह रहा हूँ जानते हैं? ऐसा सचमुच एक बहन आई थी, उसका टांग तोड़ के। मैं बोला, बहन जी आपका कैसे टांग टूट गई? कहते क्या बोलूँ, शर्म लग रहा है, शर्म आ रहा है। बोले कि एक कोई आया था, बोला कि बहन जी वजन घटाना बहुत सहज है, छोटे बच्चे जो रस्सी कूदा करते हैं स्कीपिंग रोप एक ले आओ, सवेरे 10 मिनट शाम को 10 मिनट कूदो, देखो एकदम 2-3 महीने में स्लिम हो जाओगे। तो बहन जी ले तो आई एक, पहला दिन ही एक छलांग, दूसरी छलांग, तीसरे बार ऐसा हो गया थोड़ा गिर गई, फ्रैक्चर, प्लास्टर लगा के 1.5 महीना तक खटिया में पड़ी रही, 10 किलो वजन बढ़ गया। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैं दिखाता हूँ हमेशा कि डॉक्टर को पूछ के करना एक्सरसाइज। हमारे देश में बिना कुछ फीस लिए हुए बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आपको बहुत बातें सुना देंगे, ये दवाई खाओ, ये करो, वो करो, सब सिखा देंगे बिना पैसा लिए। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, अभी सभी को बताना है। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण थे या त्रेता युग में जब राम सीता थे, देखो कितना सुंदर तन है, एकदम फिजिक, कैसा फिजिक है, फिट एकदम, क्या एक्सरसाइज करते थे? क्या कपालभाति अनुलोम विलोम करते थे? क्या शीर्षासन, पद्मासन, मुर्गासन करते थे, मंडूकासन करते थे? क्या जिमखाना में जाके डंबल बारबेल उठाते थे? क्या करते थे? चलो मैं नहीं बताता हूँ। जब त्रेता युग आया गया, द्वापर युग आया, फिर भी हम देखिए खेती बाड़ी करते थे, भाग दौड़ करते थे, तो भी हम हेल्दी थे। लेकिन जब कलयुग आ गया, देख लीजिए कैसे बन गए। बहनें सोचते होंगे खाली बहनें ऐसे बनते हैं क्या? नहीं नहीं, भाई लोग भी ऐसे बनते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, अमेरिका में 300 किलो 400 किलो के लोग हैं, और आज हमारे भारतवर्ष में भी ऐसे बनते जा रहे हैं। हमारे बच्चे देखो कैसे हो गए, खाली बच्चे नहीं हैं, साथ में देखो जो कि एकदम फिजिकली फिट रहना चाहिए, देखो कैसे हालत है। ये 90s में हमारे जो टेलीविज़न है और कंप्यूटर है ऐसा था, मोटे मोटे हम लोग ऐसे दुबले पतले थे, और अब 2012 में हमारा लैपटॉप कंप्यूटर ऐसा हो गया, हम ऐसा बन गए। कोई व्यक्ति अगर 10 किलो भी एक्स्ट्रा वजन हो जाता है किसी का, उसके हार्ट को बेचारा को 1000 लीटर से ज़्यादा खून पंप करना पड़ता है, 1000 लीटर से ज़्यादा, तो हार्ट बेचारा का क्या हाल होगा सोचती है। तो इसलिए देखिए आज कलयुग में हम सभी क्या हाल हो गया है, कैसे हो गए हैं। तो कहने का मतलब है हम सभी सेडेंटरी हो गए हैं। अगर संडे है तो बस 24 घंटा बैठ के खाली टीवी देखते रहेंगे। पहले ज़माने में हमारे घर में कोई आता था तो उसके साथ दुख सुख होते थे, बात करते थे। आजकल कोई आया, स्विच ऑन, मैं भी इडियट बॉक्स देख रहा हूँ, तू भी देख। और पहले ज़माने में हमारे घर में कोई आता था तो छाछ पिलाते थे, दही पिलाते थे, दूध पिलाते थे, कुछ पिलाते थे, लस्सी पिलाते थे। आजकल थम्सअप, यही स्टार्टस है हमारी, जिसके कारण हम बीमार हैं, सत्यानाश कर चुके हैं हमारे कल्चर को। तो कहने का मतलब है, देखिए जब सत्ययुग त्रेतायुग था हम लोग एकदम हेल्दी थे, कोई निरोगी काया, कंचन काया, कोई बीमारी नहीं। जब द्वापर युग आया हम वहाँ से बीमार होने लगे। द्वापर युग में हम धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होने लगे और यहाँ से बीमार होने लगे। और जब बीमार होने लगे हमने देखा कि हम क्यों बीमार हो रहे हैं, ये पेड़ बेचारा, इसको तो कभी बीमारी नहीं होती है। तो हमने क्या किया, फिर वृक्षासन, पेड़ जैसा हम खड़े होने शुरू कर दिए, पेड़ को कॉपी किए। फिर देखा कि ईगल पंछी, ये गरुड़, ये विष्णु का वाहन है, इतना दूर उड़ता है, इतना पावरफुल है, इसका विजन इतना शार्प है, वो तो कभी बीमार नहीं होता है। तो हम गरुड़ आसन करने लगे। फिर देखा ये
मरुभूमि में ऊँट रहता है, 6-6 महीना तक पानी नहीं पीता है, फिर भी कोई बीमारी नहीं है, हम उष्ट्रासन करने लगे। फिर हम देखे कि सांप को कोई बीमारी नहीं होती है, तो भुजंगासन करने लगे, फिर मत्स्यासन करने लगे, फिर खरगोश जैसा शशांगासन करने लगे। सवेरे सवेरे देखा कुत्ता ऊँ कर रहा है, तो हम भी ऐसे करने लगे। कभी तो मंडूकासन करने लगे, तो कभी कछुए जैसा पोज करने लगे, तो वी स्टार्टेड मिमिकिंग एनिमल्स। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? कौन है? मनुष्य है। तो मनुष्य को बाकी पशु पंछी फॉलो करना चाहिए कि हम मनुष्य होके बाकी को फॉलो करना चाहिए? कौन किसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, हम हर्ष योगा स्टाइल शुरू कर दिए, हम केट योगा स्टाइल शुरू कर दिए, हम डॉग योगा स्टाइल शुरू कर दिए। अभी रिसेंटली इन 2012 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यूके में, एक रिसर्च किया गया जो ऐसे ये सब पोस्चुरल एक्सरसाइज करते हैं, देखा गया योगा कजेस मेंटल इलनेस। बैकएक तो ठीक हो जाता है, कमर तो ठीक हो जाता है, बाकी तो ठीक हो जाता है, लेकिन मेंटल इलनेस बढ़ रहा है, ये साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके देखा। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, हम डॉग को कॉपी कर रहे हैं, डॉग कैसा करता है, लेकिन अभी गॉड आके कह रहे हैं, बच्चे मेरा कहना सुनो, डॉग का कहना क्या सुन रहे हो, मैं गॉड क्या कहना सुनो। तो गॉड का कहना है कि मेरे बच्चे कीप फिट विथ म्यूजिक। सत्ययुग त्रेतायुग में लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता क्यों फिट थे, मैं उसका राज ये बता रहा हूँ। क्या करते थे सवेरे सवेरे जाके? रास करते थे। आज भी साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है डांस करना। आप दौड़ो, उसमें जितना कैलोरी बर्न होता है, आप डांस कम समय में उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है। खाली मैकेनिकल दौड़ने से आप थक भी जाएंगे, लेकिन डांस करो, देखो माइंड भी ठीक हो जाता है, मन भी दुरुस्त, तन भी दुरुस्त। तो सतयुग त्रेतायुग में सभी रास करते थे, जिसके कारण सब खुश थे। जो आप सिखाते हो, लेकिन रोज करते हो? एक होता है कला प्रदर्शन करना, कभी कभी दूसरों को दिखा के एंटरटेन कर देना, लेकिन एक होता है जीवन का एक रूटीन लाइफ में अपना करना। तो आप सभी इंटरेस्टेड हैं, करेंगे अभी थोड़ा? सभी थक गए हैं? थक गए हैं? मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, जब म्यूजिक बजता है छोटे बच्चे भी देखो डांस करना शुरू करते हैं। खाली बच्चे नहीं करते हैं, बच्चे के साथ साथ कोई बूढ़ा होता है तो भी डांस करना शुरू कर देता है। खाली बूढ़े भी नहीं, बूढ़ियाँ भी शुरू कर देते हैं। अरे मनुष्य तो क्या, जब डिस्को गीत बजता है, जीन पैंट पहन के हाथी भी डांस करना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब है, डांस एंड बी हैप्पी, वॉक एंड बी हेल्दी। जीवन में अगर सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं, कम से कम आधा घंटा चलना चाहिए, फास्ट चलना चाहिए, और थोड़ा सा कुछ डांस करना चाहिए। मैं आपको सबसे बढ़िया एक्सरसाइज क्या है, मैं बताऊं क्या है? बताइए, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज बताइए। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है ताली बजाना। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप सभी कलाकार हैं, इसलिए मैं ऐसे नहीं कहूंगा। कैसे? मैं जैसे करता हूं ऐसा। खड़े हो जाएंगे अभी थोड़ा? सभी खड़े हो जाएंगे, थक गए होंगे, खड़े हो जाइए। अच्छा, कैसे करना है? 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो लग रहा था सब डांस कर रहे हैं, यही तो डांस है। लेकिन अभी एक सुंदर म्यूजिक बजेगा, और म्यूजिक के साथ सचमुच डांस करेंगे। मैं क्यों कह रहा था, ताली बजाना, इसमें हमारे शरीर के सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, बॉडी के सारे ऑर्गन्स के पॉइंट्स हैं। जब हम ताली बजाते हैं, ये मैं समझ रहा हूँ आपके पेट में चूहा है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे तो और अच्छी भूख लगेगा, अच्छी तरह से खाएंगे। मैं कह रहा था कि ताली बजाने से हमारे शरीर में जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, आपके एक एक ऑर्गन स्टिमुलेट हो जाते हैं। इसलिए चाइनीज थेरेपी में एक्यूप्रेशर थेरेपी है।
तो ताली बजाना सबसे बेस्ट है हमारे भक्ति में, इसलिए हम ताली बजाते थे। लेकिन आजकल हम ताली भी भूल गए। तो इसलिए जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ वो वास्तव में एक एक्यूप्रेशर थेरेपी है, एक सेल्फ बॉडी मसाज है और एक वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। उसमें सब कुछ एमलगमेटेड है, बहुत सुंदर। आप कभी टीवी में देखेंगे तो आप खुद जाके आप अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं और खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रुप में कराया है। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, एक सुंदर गीत बजेगा, सभी खड़े होके करेंगे ना सभी। अच्छा, मेरा बाबा। सभी हमारे देश में जो बहुत कोई खुश होता था तो ऐसे खगी मरता था, ऐसे करिए सभी, ऐसे ऐसे ऐसे। आप सभी कलाकार हो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छी तरह से। बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा, आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। नसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई, सार मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई, नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा, उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए, दिल तेरे एक पल हम चल कहीं ना आए, कितना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए, बिन तेरे पल हमें चैन कहीं ना आए, नाव पुरानी गहरा पानी है बाबा तू ही सहारा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा।
मेरा प्यारा बाबा। सदा वो रहते हमारे साथ, सदा वो चलते। जिनकी दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। जन्नत को है उतारा इसका, उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वाह बाबा, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। ओम शांति। आनंद आया सभी को।